Today we have brought one more reaction, that is Holmes Dicker reaction. ये reaction किसके लिए use होती है? एक carbon को reduce करने के लिए और किसके अंदर की जाती है reactions? और इनको especially bromo alkanes को बनाने के लिए करते हैं. So bromo alkanes are obtained by this method. इसमें होते क्या है? By refluxing silver salts. कौन से salts? Silver salts का reflux करते हैं और fatty acids with bromine in CCl4 carbon tetrachloride के साथ. इससे क्या होता है? मैंने बताया एक कार्बन कम हो जाता है. जितने चेन में अगर सपोज 3 कार्बन थे तो नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, जो ब्रोमो एल्केन बनेगी, वो कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन की होगी. तो टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वंस अगेन ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड बाय रीफ्लक्सिंग सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ब्रोमीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. होता क्या है? अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, लंबी फैटी एसिड सिल्वर सॉल्ट है, तो ये आपके R लंबी चेन और COOAG, और यहाँ पर हमने इसको किससे रिएक्ट करवा दिया? ब्रोमीन से, Br2 किसकी प्रेजेंस में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और रिफ्लक्स किया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, दो ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? RBr, R मतलब चेन, ब्रोमो एल्केन, प्लस में क्या होगा ये आपका एक दूसरा Br जो है वो AG के साथ आ जाएगा. दो Br है ना, एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका AgBr precipitate के फॉर्म में आउट हो जाएगा, और जो ये CO2 बचा है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर तो R लगा के यूज किया था, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमें यहाँ पे 3 कार्बन की चेन ले ली, CH3CH2COOAG. अब मैं कहूँ कि ये AG कहाँ से आया, तुम देखो CH3CH2COOH अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम किससे रिएक्ट करा दें? AgOH से अगर रिएक्ट करवा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2COOAG. ये हमारे पास सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ये सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ, ये कितने हैं इसमें? प्रोपेनॉइड, ठीक है, ये बन गया आपका. और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये बन गया. अब इसको क्या करेंगे हम? रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ. और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराने पर CCl4 और रिफ्लक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CH3CH2Br प्लस में AgBr और CO2. एक कार्बन यहाँ बाहर निकल जाता है. यहाँ पर 3 कार्बन थे तो हम यहाँ पर कितने कार्बन लेंगे? 2 कार्बन. एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये रिएक्शन हैलो एलियंस में भी फॉर्म होगा. उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं हम बेंजोइक एसिड को ले लेते हैं यहाँ पर C6H5COOH. ये हमारा C6H5COOH है, ठीक है, बेंजोइक एसिड. इसको भी हमने AgOH से रिएक्ट करवाया तो ये हमें क्या बना? C6H5COOAG, ठीक है. और ये देखो एक OH और एक H ये मिलके बाहर आउट हो गए, क्या बना? वाटर बाहर निकल गया यहाँ से. अब ये जो हमारा बना यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये हमारा C6H5COOAG, इसको हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? इसको हम Br2 से, क्योंकि ब्रोमीन अटैच करना है, और किसकी प्रेजेंस में? CCl4 रिफ्लक्स. ये क्या बनेगा हमारा? C6H5, और यहीं पे हमारा क्या अटैच हो जाएगा? C6H5Br अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये R हो गया, ये Br है, और दूसरा Br किसके साथ चला जाएगा? AG के साथ. AgBr सिंगल ब्रोमाइड बन जाएगा और प्लस में ये CO2 आउट. सो दिस इज नोन एज होम्स डिकर रिएक्शन. और एक कार्बन को रिड्यूस करने के लिए और सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स के अंदर ये रिएक्शन होती है, और ब्रोमीन के लिए होती है. अगर इसकी जगह आयोडीन यूज करेंगे तो वहाँ पर है ना हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा. आयोडीन के केस में हमारा एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.